आने वाले सालों में कौन कौन सा बहाली सेंट्रल गवर्नमेंट की निकल सकती है ITI स्टूडेंट के लिए। इस वीडियो में बने हुए रहिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि आने वाले साल में आपका कौन कौन सा बहाली निकलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो बहुत ही स्पेशल वीडियो है ITI स्टूडेंट के लिए, तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने भी छात्र नए देख रहे होंगे तो रेड कलर से जो सब्सक्राइब लिख कर आ रहा है, जैसे भी हो प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन कॉल कर देना और लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ जहाँ भी हो सके शेयर कर देना, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप या कोई भी जगह पे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। और देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये सभी जो बहाली आपका निकल सकता है 2021 में, आपका नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि आपका पता है कि लास्ट अभी चल रहा है मंथ, नवंबर दिसंबर में आपका खत्म हो जाएगा ईयर। तो मैं बात करूँगा सबसे पहले DRDO की। तो DRDO आपको पता है कि यहाँ पर सेक्टर 9 टेक्नीशियन ए ITI स्टूडेंट के लिए बहाली निकलती है, और ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है ITI स्टूडेंट के लिए, और इसमें बहुत सारे छात्र जानने के लिए बहुत पुरजोर तरीके से तैयारी करते हैं। तो वो DRDO की बात करूँ तो ये आपका 2021 में आपका दिसंबर से जनवरी के बीच में आपका निकल सकता है, जनवरी आपका 2022 के, ठीक है, यानी कि 2021 के दिसंबर से 2022 के जनवरी तक आपका ये बहाली देखने को मिल सकता है DRDO सेप्टम 9 टेक्नीशियन ए ITI स्टूडेंट के लिए। ये हो गया DRDO की बात। आपको पता है DRDO एक प्रकार का अपना फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट है। मैं बात करूँगा दूसरी वाली जो आपका डिपार्टमेंट है, दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें DMRC की। आपको पता है कि DMRC भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, फुल्ली नहीं है लेकिन 50% सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% आपका आपका दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये वाली बहाली आपका 2021 में नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका ये बहाली निकल सकता है DMRC वाली। और इसमें आपको पता है कि मेंटेनर की पोस्ट निकलती है ITI स्टूडेंट के लिए इसमें, और यहाँ पर बहुत ही बेटर सैलरी दिया जाता है, समथिंग आपका 40 से 45 के बीच में आपका बन जाएगा पर मंथ, और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और आपको राजधानी शहर में रहने को मौका मिलेगा। तो ये वाली आपका वैकेंसी आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में निकल सकती है, ठीक है। ये जब ये सभी जो मैं डेट बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड डेट है, और जैसे मैंने इसका एनालिसिस लिया हूँ पिछले साल वाले और 2-3 साल से पहले मैं कैसे निकल सकता, ये सभी जो डेट बता रहा हूँ ये सभी एक्सपेक्टेड है, ये फिक्स नहीं है कि इतना ही के बीच में निकलेगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेट है मैं जो एनालिसिस करके लाया हूँ वो डेट आप लोग के सामने मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोई बोर्ड के द्वारा नहीं है, ये मेरे द्वारा मैंने जो एनालिसिस करके बनाया वो डेट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात पे आपको गौर करके रखना है। तो मैं बता दूँ कि जो नेक्स्ट बहाली है आपका ये बार्क का, आपको पता है कि बार्क ये फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट है, और इसका डिपार्टमेंट आपका PM संभालते हैं नरेंद्र मोदी जी, और ये यहाँ पर आपका टेक्नीशियन के पोस्ट पर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की तरह यहाँ पर बहाली निकाली जाती है ITI स्टूडेंट के लिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, और ये भी आपका 2021 के जुलाई से अगस्त महीने में आपको ये बहाली देखने को मिल सकती है बार्क वाला, और ये भी एक्सपेक्टेड है जुलाई से अगस्त के बीच में। और यहाँ पे आपको पता है कि 2 ईयर आपका फुल्ली यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, बहुत ही बेटर तरीके से यहाँ पे आप लोग को पढ़ाया जाता है, और पढ़ने के बाद आप फुल्ली एक तरीके से स्किल्ड पर्सन बन जाते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट में क्या होता है कि ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, दिया जाता है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको फुल्ली 2 ईयर का आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो 2 ईयर में आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है मौका, वहाँ पर बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी रहता है वहाँ पे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि बहुत बड़ा ये डिपार्टमेंट है बार्क, और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट आपको ये कहलाता है डिपार्टमेंट, और ये आपको पता है कि बहुत बड़े यहाँ पर जितने भी एटोमिक रिसर्च सेंटर होते हैं यहीं के वैज्ञानिक लोग करते हैं। तो ये हो गया बार्क वाली बहाली। और चौथी बहाली बात करूँगा इसरो की, और इसरो भी फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट है, और यहाँ पे देखिए मैं बात कर लूँगा मेनली रूप से दो, आपका एक नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये हैदराबाद में है, एक हेड ऑफिस इसका है बेंगलोर, उनके दो तरफ से बहाली निकल सकती है आपका 2021 के मिड मंथ तक, और ये भी एक्सपेक्टेड डेट में बता रहा हूँ। और NRC वाला जो है NRSC यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, यहाँ पर बहुत दिनों से बहाली नहीं आई है तो इसका भी बहाली आ सकता है, और हेड ऑफिस वाला भी जो वहाँ पर बेंगलोर में इसका, वहाँ पर भी इस टेक्नीशियन के पोस्ट पर बहाली आ सकता है। तो ये सभी मैंने डेट आप लोगों को बता दिया हूँ कौन कौन से डिपार्टमेंट का कब कब बहाली, एक्सपेक्टेड डेट मैंने आप लोगों के सामने में शेयर कर दिया हूँ, और ये सभी एक्सपेक्टेड है, और इस टाइम के अंतर्गत बहाली निकल सकती है या इससे पहले भी आ सकता है या बाद भी आ सकता है, लेकिन ये सभी जो बहाली है ये ITI स्टूडेंट के लिए बची हुई है, और ये सभी बहाली आपको देखने को मिल सकती है 2021 में, और ये सभी बहाली निकलेगी, चूँकि बहुत दिनों से ये डिपार्टमेंट सभी में बहाली नहीं आई है, तो आप लोग वेट करते रहिए और इसका तैयारी करते रहिए, ठीक है, तैयारी करते रहिएगा तभी आपको फ़ायदा मिलेगा जब इसका बहाली आएगा तब। और ये सभी जगहों पे आपको पता है कि कंपटीशन देखने को मिलता है अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलता है, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा रहता है मीडियम लेवल का, तो आप लोग इसका तैयारी कीजिए, और जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। तो जितने भी छात्र देखे होंगे
तो लाइक एक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। घर पर रहिए, सेफ रहिए।